या हम लोग इस नताइज पे पहुंचेंगे, सबसे पहले हम लोग विजिट करेंगे डीके। ये लोग इतने सिविलाइज थे, अटैच बात का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने निकाला, मैनहोल सिस्टम जो गटर का सिस्टम है वो इन लोगों ने निकाला। जो कुएँ इनके एक बहुत बड़ी बात इनकी ये है कि हर घर पे एक अलग अलग कुआँ होता था उसका, और एक पब्लिक कुआँ अलग होता था। उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, प्राइमरी कलर से इन्होंने कलर्स बनाए। अक्सर हम लोग छोटे छोटे आर्ट देखते हैं, ट्रक आर्ट देखते हैं, ट्रक आर्ट भी यहीं से स्टार्ट होता है। गायें बनी हुई होती है या कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट इन्होंने यूटिलाइज करा। ये हीमिल बोल्स है जो स्टिक, किसी के क्लाइमेट चेंज हो जाते थे कि फ्लड है, पानी है, और जो उन्होंने हिट किया तो किले के साथ चिपक गया। अब इसको ये तो उठाने के काबिल नहीं, आ जाए और दे दिखा दे। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि इस इंडस सिविलाइजेशन में मेटल यूज़ नहीं किया गया। अब वो स्टोन से बनाया गया, स्टोन को, क्योंकि हम पत्थर देखते हैं, अभी भी ऐसे पत्थर हैं। पुखराज होता है, वो कौन कौन से होते हैं, पुखराज होता है, अकीक होता है, अकीक होता है, याकू, मरजान, वो इतने खूबसूरत होते हैं, तो वो ज्वेलरीज में यूज़ किए जाते थे, उनकी ज्वेलरी बनती थी, तो उनसे भी मैं कहता हूँ वो हो सकता है। तो मेटल वाला एक ये गलत इन्फॉर्मेशन। ये लोग करते थे कि दीवारें बहुत नीचे स्टार्ट करते थे, उसके बाद तकरीबन 7-8 फुट या उससे ऊंची, उसके बाद ये लोग लेवल करते थे, फिर रूम बनाना, किचन बनाना, देन ये कॉन्सेप्ट था, ताकि वो अभी तक हम लोग देखते हैं कि 3000 साल बाद भी ये दीवारें ऐसी खड़ी हुई हैं। इनकी लैंग्वेज अभी तक नहीं डिक्लेयर हो पाई है, तो वो एक मिस्ट्री है कि ये लोग क्या बोलते थे। छाओ मैं एक कुर्सी तलाश की, आपका भाई भी आर्कियोलॉजिस्ट बन गया है भाई, कुर्सी यहाँ पे तलाश करना भी बहुत बड़ी बात है। आपके भाई ने कुर्सी तलाश की, वो भी इतनी कड़क धूप में, छाँव में, बिल्कुल लो कूल टेम्परेचर, आनंद, मज़ा, हवा, सुकून लेते हैं हम भी, आप भी थोड़ा सुकून लो। यो, तो हम पहुँच गए म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में हम लोग आ चुके हैं। म्यूज़ियम मेरे पीछे मैप है, मैप पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये इंडस वैली, इंडस वैली के बिल्कुल साथ ये है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो ये है, और ये पूरा मैप है इराक का, ईरान है इस तरफ, एनसाइन सारा कुछ है। तो हम लोग म्यूज़ियम को थोड़ा विज़िट करते हैं, चल मार मेरी जान। और कुछ चीज़ें हैं जो हड़प्पा और इन्होंने कंधारा और मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन को मर्ज कर दिया, इन्होंने एक बना दिया और वो मोहनजोदड़ो का बता दिया, तो ये कुछ मिसकन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। बेहतर ये कि आप लोग खुद आएँ, विज़िट करें, खुद देखें, रिसर्च करें कि इंडस सिविलाइजेशन क्या थी, इंडस रिवर क्या है। हुकूमत और हम सबको चाहिए कि हम हेरिटेज साइट की हिफाजत करें।
ये एक इदारे या एक बंदे से नहीं होगा, ये हम सबका काम है। हम सबको मिल के अपनी हिस्ट्री को बचाना होगा। खैर, इसी अधूरी नसीहत के साथ हम अपने ट्रिप का भी खात्मा करते हैं, और शाहरुख खान के अंदाज में कहूँगा, भाई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गाइस, फाइनली एक ट्रेन मिस करने के बाद हम लोगों को अब ट्रेन मिल चुकी है और हम ट्रेन में जाएंगे कराची। सो हमारी ट्रेन, फाइनली वी आर गोइंग कराची। सुबह मिलते हैं, सुबह बाय ट्रेन। बाय। और सिमरन वाला सीन है भाई, सिमरन वाला सीन है। नो, नॉट हियर। हम लोग सिमरन वाला सीन करेंगे पर सुबह में। दिल खुश तो था कि हम घर जा रहे हैं, पर कहीं किसी कोने में दिल उदास भी था। अभी सपना खत्म होने का, जिंदगी की इस रेस में जैसे मैंने दौड़ने से मना कर दिया, मतलब अब मैं इस रेस में नहीं दौड़ा। मैंने अपनी रेस शुरू कर दी। इस चीज की मुझे तलाश थी, वो कहीं ना कहीं मुझे मिल रही है। फिल्मी साउंड कर रहा हूँ, जानता हूँ ये बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, पर एक दफा आप करके तो देखिए। अगर आपको किसी चीज की तलाश है तो अब मेरे पास सफर का वक्त बहुत कम है, क्योंकि यादें बहुत ज्यादा हो गई हैं, वो फ्लैशबैक आते जा रहे हैं, और मैं इस खिड़की से किसी सिनेमा की स्क्रीन की तरह देख रहा हूँ उसे। ऐसे इस कहानी में आप भी तो हैं, आप भी देखें ये फ्लैशबैक। क्या करूँ, आदत से मजबूर। सबसे बेस्ट पार्ट कि हम लोगों ने 3 दिन बहुत कुछ ऐसा करा जो हम लोगों ने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था, और इसमें मैंने बोलना सीखा सबसे पहले तो रेहान, जाफ़र और मुदस्सिर के साथ, और मुदस्सिर के साथ बहुत से नए काम करने को मिले। काफ़ी अच्छी रही। आते वक्त बहुत सारे हर्डल्स थे, लेकिन व्हाट आई फील लाइक, अगर शौक़ है और जाने की जस्तजू है या फिर तलाश है किसी चीज़ की, तो आप निकल सकते हो। 3 दिन लाइक 3 महीने, इतना मज़ा आया। स्पेशली छत वाले मोमेंट्स, सुट्टा, गिटार, गाने, आसमान, छत, सितारे, बहुत अमेजिंग था। मोहनजोदड़ो बहुत अमेजिंग था, सचल बहुत अमेजिंग था, मुदस्सिर का औरत पना जो था वो बहुत अमेजिंग था। आबिद जो बोला, मतलब नॉन स्टॉप बोला। सुबह जब हमारी आंख खुली तो उस वक्त हम कराची में, नींद अच्छी तो नहीं आई, पता नहीं कब मेरी आंख लगी। 2 घंटे मिल गए मुझे आराम करने, कभी सीट के इधर गिरे, कभी इधर गिरे। एक बर्थ था, उस बर्थ में आबिद सो रहा था। आबिद कितने घंटे सोया? सही से 2 घंटे हैं, 2 घंटे ये बंदा 6 घंटे सोया है, और 2 घंटे सोने वाले हम लोग, हमारी आंखें देखो। तो फाइनली हम लोग कराची पहुंच गए, अभी हम लोग डिग रोड पे हैं, और उसके बाद हम जाएंगे कैंट स्टेशन के बाद जाएंगे सिटी स्टेशन, और फिर सिमरन जी ले अपनी जिंदगी।
आर एट कराची, फाइनली वी रीच कराची। हम लोग पहुंच चुके आबेद, हमारा 3 दिन की जर्नी ख़त्म हुई, हम कराची आ गए। कोई एक सेंटेंस में 3 दिन की जर्नी पे कुछ बोलोगे? जन्नत जन्नत। ओके, क्या बोलना है? ओके चलें जी, फाइनली मेरी हैरी पॉटर की सीरीज अब खत्म हुई। आप भी शुक्र मनाएं नैना। एंड करते हैं एक अप। ओ भैया, भाईजान, ओ भाईजान, यार इनको उठा दो भाई, ये वो लोग कैंट आ गए। और जा, कैंट आ गया भाई। ओ भाई कैंट आ गया। ओए कैंट आ गया।